सभी भैयाओं को नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं आरोह भाग दो का दूसरा पार्ट। और दूसरा पार्ट जो है वह है काव्य है, और उसके जो कवि हैं वो है आलोक धनवा। आलोक धनवा का परिचय आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे, साथ ही उनके द्वारा लिखी हुई कविता जिसका नाम है पतंग, उस पतंग का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। आलोक धनवा का जन्म 1948 ईस्वी में बिहार के मुंगेर में हुआ था। बिहार राज्य के मुंगेर जिले में 1948 में उनका जन्म हुआ। उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं में जो प्रमुख रचना है वो है पहली कविता जनता का आदमी। जनता का आदमी उनकी पहली कविता है जो 1972 में आई थी। 1972 में प्रकाशित उनके बाद भागी हुई लड़कियाँ, ब्रूनो की बेटियाँ से प्रसिद्धि मिली, यानी इन दो रचनाओं से उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली, जिसमें भागी हुई लड़कियां और ब्रूनो की बेटियां ये बहुत प्रसिद्ध हुई थी। उसके बाद में उनका एकमात्र जो संग्रह है जिसका नाम है दुनिया रोज बनती है, इस प्रकार से यह उनकी रचना है। उन्हें प्रमुख रूप से जो सम्मान मिले वो थे राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान। इतने सारे इनको सम्मान मिले हैं। फिर उनकी रचनाओं में से एक जो रचना लिखी हुई है वहाँ है, जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन उधर, लेकिन एक दिन जाना है उधर। अर्थात वो अपने मरने की बात करते हैं कि इस दुनिया से सभी को एक न एक दिन जाना ही है और सबको जाना ही पड़ता है। आगे हम पढ़ते हैं उनका जो परिचय, वो आगे पढ़ते हैं। 7वें 8वें दशक के कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी, यानी बहुत ही कम अवस्था में उन्होंने अपनी बहुत ही कम कविताओं के माध्यम से बहुत ही लोकप्रियता अर्जित की। यानी 1960 और 1970 के दशक में, यानी 1960 से 70 और 70 से 80 के दशक में उन्होंने बहुत ही छोटी छोटी और गिनी चुनी कविताएं लिखी थी, परंतु उन कविताओं के माध्यम से भी उनको बहुत ही लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। सन 1972 और 73 में प्रकाशित उनकी प्रारंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जुबानी याद थी। यानी उनकी कविताएं भले छोटी थी, बहुत कम लिखी गई, लेकिन उस दशक में जितने भी काव्य प्रेमी थे वो सभी उन कविताओं को जानते थे और उन कविताओं को अपनी मुख जुबानी याद रखते थे। आलोचकों का तो ये भी मानना है, यानी उस समय के जितने भी जो आलोचक थे जो कविताओं के बारे में ये बात करते थे, उनका तो ये कहना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ ही नहीं है। यानी उस समय उन्होंने जो कविताएं लिखी उन कविताओं का लोगों पर कितना प्रभाव पड़ा, जितने भी काव्य प्रेमी थे उन काव्य प्रेमियों पर कितना प्रभाव पड़ा, इसका अभी ठीक से मूल्यांकन हुआ ही नहीं है। अगर सही तरह से मूल्यांकन किया जाए तो हम देखेंगे कि उनका प्रभाव बहुत अधिक लोगों पर था। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद, या शायद उसी वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते, यानी जब बहुत अधिक ख्याति मिल जाती है, बहुत अधिक प्रसिद्धि मिल जाती है, तो प्रसिद्धि के बाद उस कवि पर एक प्रकार का दबाव बन जाता है। उस दबाव की वजह से ही शायद आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में, यानी बहुत ही अधिक मात्रा में कविताएं नहीं लिखी, होलसेल के भाव में, यानी जिसको कहते हैं ना कि बहुत अधिक मात्रा में, जहाँ बहुत अधिक कविताएं लिखी जाती है, तो थोक के भाव में कभी उन्होंने लेखन कार्य नहीं किया था। वो कार्य लेखन करते थे लेकिन बहुत ही सटीक कविताओं के साथ, बहुत ही कम करते थे परंतु बहुत ही गंभीर भावों के साथ कविता करते थे। सन 1972 से लेखन प्रारंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह, जिसका नाम अभी अपने ऊपर पढ़ा था, एकमात्र काव्य संग्रह जिसको कहते हैं कि दुनिया रोज बनती है, इस प्रकार का उनका एकमात्र जो काव्य संग्रह है यह 1998 में प्रकाशित हुआ था। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय है। यानी पिछले 2 दशकों से अगर बात करें तो पिछले 20 वर्षों से वो समाज के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, साथ ही संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी वह समाज में कार्य कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, सक्रिय रहे थे उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंग कर्म तथा साहित्य कर्म साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की। यानी वो पिछले 2 दशकों से
सांस्कृतिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी सक्रिय हैं। साथ ही साथ उन्होंने जमशेदपुर में जो अध्ययन मंडलियां हैं, यानी जो अध्ययन करने वाले लोग हैं, उन मंडलियों का संचालन किया, ऐसे संगठन बना करके उनका संचालन किया। साथ ही साथ रंगकर्म साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों में, यानी साहित्य रंगकर्म और इस प्रकार के जितने भी जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों में विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भी भागीदारी की, यानी वो विभिन्न विश्वविद्यालयों में अतिथि के रूप में जाते हैं और वहाँ एक व्याख्याता के रूप में कुछ समय तक कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं उनके द्वारा लिखी हुई हमारे कोर्स में शामिल जो कविता है उसका नाम है पतंग। पतंग हमारी पाठ्यपुस्तक में शामिल की गई है और यह पतंग कविता बहुत ही प्रसिद्ध हुई। पाठ्यपुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है और यह एक लंबी कविता है, यानी उन्होंने जो कविता लिखी है उनका एकमात्र जो संग्रह 1998 में प्रकाशित हुआ था उसका हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है, यानी ये जो कविता है वो छोटी नहीं है, इसको एक लंबी कविता कहते हैं, जिसके तीसरे भाग को पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है। यानी उनका जो रचना संग्रह है उस रचना संग्रह में से एक कविता ली गई है जिसे लंबी कविता कहते हैं और उस लंबी कविता का नाम पतंग है और उस पतंग कविता का तीसरा भाग हमारे पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने, यानी पतंग कविता में बच्चों के जो भाव हैं उनको व्यक्त किया है। बच्चे पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते समय उनके मन में क्या क्या भाव आते हैं, किन किन प्रकार की इच्छाओं का उनमें समावेश होता है, क्या क्या उमंग उनके जीवन में आती हैं, तो इन सभी बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का चित्रण उन्होंने इस कविता में किया है। यानी पतंग तो एक बहाना है, परंतु उस पतंग के बहाने उन्होंने इस कविता में जो बच्चों की इच्छाएं होती हैं, बच्चों में जो उमंग होती हैं, उस उमंग और उनकी इच्छाओं का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों और एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग इन्होंने अपनी कविता में किया है। यानी उन्होंने अपनी कविता में बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए और साथ में प्रकृति के अंदर जो बदलाव होते हैं, प्रकृति में जो एक प्रकार के परिवर्तन आते हैं, उन सभी परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने सुंदर बिंबों का प्रयोग किया है। बिंब से तात्पर्य है प्रतीक, यानी उन प्रतीकों का प्रयोग किया है जिससे हमें यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से कविता में उनको शामिल किया गया है। तो उन प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, उन प्रतीकों का उपयोग करते हुए उन्होंने प्रकृति में परिवर्तन और बच्चों की जो इच्छाएं हैं उनके जो क्रियाकलाप हैं उनको व्यक्त करने का कार्य किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है, यानी जिस प्रकार से पतंगें रंग बिरंगी होती हैं, कई प्रकार के रंगों को लिए हुए होती हैं, ये सारे के सारे एक प्रतीक के रूप में कि बच्चों के अंदर भी इस प्रकार के रंग बिरंगे सपने होते हैं, उनके उमंग जो है, उन उमंगों का रंग बिरंगा जो सपना है वो उन पतंगों के माध्यम से बताते हैं। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। यानी पतंग जब बच्चा आसमान में उड़ाता है तो पतंग के साथ साथ वह बच्चा स्वयं भी उड़ता है, यानी उसे ये लगता है कि जिस प्रकार से पतंग आसमान में उड़ रही है मैं भी उस पतंग के साथ में आसमान में उड़ रहा हूँ। और बाल मन उन ऊंचाइयों की हदों को, यानी हदें यानी सीमा, हद से तात्पर्य है सीमा, तो जो बाल मन है यानी बच्चे जो हैं वो पतंग की ऊंचाइयों के साथ उनकी सीमाओं को पार करना चाहता है और बालक का मन उन सीमाओं को छूना चाहता है अर्थात आसमान में उड़ना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है अर्थात आसमान की उन सीमाओं के आगे निकलकर उससे भी आगे जाना चाहता है और उसको जाने का प्रयत्न करता है। क्योंकि कविता में कवि ये बताता है कि जब बच्चा आसमान में पतंग उड़ाता है तो उसे ये लगता है कि इसके आगे भी बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पतंग को मैं उड़ाना चाहता हूँ। अब पतंग तो वो उड़ाता ही है, साथ साथ में वो ये भी सोचता है कि मैं भी उसके पार जाना चाहता हूँ, उनका मन उन सीमाओं को छूना चाहता है, वहाँ तक हम अपनी उड़ान भरना चाहता है। तो इस प्रकार से यह कविता आगे बढ़ती है। फिर कवि आगे कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है, अर्थात कई प्रकार के बिंबों का प्रयोग किया है, कई प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग किया है। अब बिंबों और प्रतीकों की बात करें
तो कुछ बिंब ऐसे होते हैं जो दृश्य बिंब, यानी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा जिससे हमको लगेगा कि इसमें कोई आवाज हो रही है, तो इसको सॉरी उसको कहते हैं कि इसमें कोई दृश्य दिख रहा है तो उसको दृश्य बिंब कहते हैं। कोई ऐसा लगेगा कि इसमें कोई आवाज हो रही है तो उसको हम कहेंगे जैसे यह जो है वो ध्वनि बिंब है। ऐसे ही कई प्रकार के बिंबों का प्रयोग करते हुए यह कविता हमें एक नई दुनिया की ओर ले जाती है, जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है। यानी इस कविता में सबसे पहले शरद ऋतु का वर्णन है कि शरद ऋतु में किस प्रकार से धूप चमकती है, उस धूप का चमकीला इशारा जो है बताता है। जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, जिस प्रकार से तितलियां आसपास उड़ती हैं वातावरण में, जब मौसम परिवर्तन होता है तो बरसात के मौसम में तितलियां जो उड़ती हैं, ऐसे ही आसमान में रंग बिरंगे पतंग जो हैं वो उड़ते हैं, तो यह तितलियों की रंगीन दुनिया को प्रकट करता है। दिशाओं में मृदंग बजते हैं, जब बच्चे भागते हैं पतंगों के पीछे जब छतों के ऊपर, तो ऐसी आवाज प्रतीत होती है जैसे उन चारों दिशाओं से मृदंग की ध्वनि बजती है। मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है, और वाद्य यंत्र किस प्रकार से बजता है, ढोल की तरह बजता है, तो बच्चे भी उसी प्रकार से जब वह भागते हैं तो उस मृदंग की भांति आवाज को करते हुए भागते हैं। जहाँ छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय है, क्योंकि बच्चे जब पतंगों के पीछे भागते हैं तो उसे ये नहीं दिखता कि मेरे आसपास क्या खतरा है, कहाँ से मैं गिर सकता हूँ या कहाँ मुझे चोट लग सकती है, नहीं, बच्चे को तो सिर्फ और सिर्फ पतंग नजर आती है और वह पतंग के पीछे ही भागता है, वह पतंग को ही उड़ाता है। तो इस प्रकार से खतरनाक कोनों से गिरने का भय है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं। और फिर जब बच्चे भागते भागते उन खतरनाक कोनों से बचकर निकल जाते हैं तो उस भय से जब वो बचते हैं तो उनके अंदर एक प्रकार का विजय गर्व समाहित होता है। विजय के गर्व में वह उड़ते हैं। जो गिर गिर कर संभलते हैं, यानी जो बच्चे गिरते गिरते संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आता है, और जब इस प्रकार से बच्चे उन पतंगों के पीछे भागते हैं तो स्वयं गिर करके संभल जाते हैं, और गिर गिर कर जब संभलते हैं तो पृथ्वी का हर कोना, पृथ्वी का हर क्षेत्र उनके कदमों में आ जाता है, उनके पास आता है, और इस प्रकार से वह खुद खुद आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए, यानी जब नए नए पतंगों को बच्चे लाते हैं तो उन पतंगों को ला करके वे सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला रखता है। यानी हर ये बच्चा सोचता है कि मेरी पतंग सबसे ऊंची जाए, यानी वो प्रतियोगिता करता है। तो बच्चों के अंदर इन कविताओं के माध्यम से प्रतियोगिता का जो भाव होता है वह भी कवि इस कविता में प्रकट करता है। तो सबसे ऊंचा उड़ाने का जो हौसला लिए, फिर भादो, उसके बाद भाद्रपद महीने का जो वर्णन है वो भी कवि इसमें करता है। यानी पतंग के माध्यम से ही प्रकृति में प्रवर्तन होता है। पहले शरद ऋतु का वर्णन करता है, उसके बाद वह भादो ऋतु का वर्णन करता है। तो इस प्रकार से फिर भादो जो अंधेरा होता है, तो अंधेरे के बाद के शरद के उजाले की प्रतीक्षा कर रहा है। यानी शरद ऋतु में जो उजाला होता है उसकी वह प्रतीक्षा कर रहा है। क्या आप भी उनके साथ हैं? अंत में हमें एक प्रश्न करता है कवि, ये कहता है कि क्या हम बच्चों के साथ उड़ान भरेंगे? क्या हम बच्चों के साथ उड़ान भरने का प्रयत्न करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमें बच्चों की जो इच्छाएं हैं, जो उनकी बाल सुलभ क्रियाकलाप हैं, उनकी जो एक प्रकार की इच्छाएं होती हैं, जो उनके अंदर उमंग होती हैं, तो क्या हम उन बच्चों का साथ दे सकते हैं? क्या साथ दे करके हमें वो उड़ान भरने का एक मार्ग दिखा सकते हैं? क्या बच्चों को हम वो रास्ते बता सकते हैं? क्या बच्चों को उन रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जिन रास्तों से वह आसमान की असीम ऊंचाइयों को छूना चाहता है, पतंग की भांति वह आसमान में उड़ना चाहता है? और उड़ते समय जब वह खतरनाक किनारों पर पहुंचता है, जब खतरनाक क्षेत्र में पहुंचता है, तो उस क्षेत्र में जाकर के भी क्या हम उनका साथ देना चाहते हैं? क्या हम उनको साथ करेंगे? इस प्रकार से हमें यह प्रश्न के रूप में कवि कहता है कि क्या हम बच्चों के साथ हैं? क्या हम उनकी क्रियाकलाप को सहयोग करेंगे? क्या उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे? इस प्रकार का कवि हमें यहाँ एक प्रश्न करता है। इस प्रकार से यह जो है वो कवि का सामान्य सा परिचय है, और परिचय के साथ साथ में यह जो है वो कविता का मुख्य भाग है, यानी कविता का भावार्थ है। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में, यानी अगले वीडियो में, हम पढ़ेंगे आलोक धनवा की यह लंबी कविता का तीसरा भाग जिसका नाम है पतंग, उसको हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।